आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इडली सांभर की रेसिपी। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं एक बड़े बर्तन में सूजी ले रही हूँ। सूजी आप अपने मेंबर के हिसाब से ले लीजिए और उसमें मैंने छाछ मिक्स कर दी है और छाछ को अच्छे से मिक्स करना है इसको बीच बीच में चलाकर। छाछ को सूजी के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कम से कम आधे से एक घंटे के लिए रख देंगे ताकि सूजी थोड़ी फूलकर सेट हो जाए और इस बीच में थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहें ताकि पूरी सूजी भीग सके। आधे घंटे के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है और इसमें मैंने सूजी थोड़ी और ऐड कर दी थी और पानी ऐड किया था। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक और इसको जितना आप इसको फेंटोगे उतनी ही अच्छी इडली बनेगी। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया है और इसको इतना ही पतला रखना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी इनो या फिर मीठा सोडा जो आप डालना चाहें। इसके बाद मैंने इडली मेकर लिया है या इडली स्टैंड जो भी आपके पास हो उसमें मैंने पानी डाला है और पानी को थोड़ा गर्म करने के बाद जो इडली वाले सांचे होते हैं उसमें थोड़ा ऑयल डालकर और बैटर इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे और स्लो फ्लेम में। इसी के साथ हमारी इडली बनकर तैयार है और इसको स्टीमर से निकालने के बाद 2 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए तो निकालने में आसानी हो। चलिए अब तैयारी करते हैं सांभर बनाने की। तो सांभर बनाने के लिए मैंने सब्जियां ली हैं, 2 आलू उनको छीलकर मैंने काट लिया है, 2 टमाटर और बैंगन, 1 थोड़े मटर और 1 गाजर और ये अरहर की दाल है जिसको 10-15 मिनट के लिए मैंने भिगो लिया था। अब इन सभी सब्जियों को और दाल को कुकर में डालकर और नमक और थोड़ी हल्दी डालकर इसको सीटी लगवा लेते हैं। जब तक दाल और सब्जियां पकती हैं तब तक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, 4-5 साबुत लाल मिर्च, करी पत्ता, राई, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हींग। अब एक कढ़ाई लिया उसमें मैंने ऑयल डाला है। उसके बाद गर्म होने के बाद मैंने उसमें राई डालकर करी पत्ता और लाल मिर्च साबुत लाल मिर्च डाल दिया है और उसके बाद मैंने डाला है इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हींग और यहाँ पर मैं सांभर मसाला भी डाल दूंगी इसी के साथ और थोड़ा पानी डालकर मसाले को भून लूंगी। उसके बाद जो बॉईल की हुई दाल थी वो इसमें मैंने डाल दी है और थोड़ा अच्छे टेस्ट के लिए मैंने इसमें लास्ट में थोड़ा अमचूर भी डाला है 1 चम्मच। ये दाल बनकर तैयार है, इडली सांभर तैयार है। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।